रोमांच और रहस्य। तुम्हारी फोटो खींच लूं? तुम मानोगे नहीं ना, संदेह फिर ये कैमरा मंगवा दिया है। इस चंद्र की पत्नी ने गुस्से से कहा, यह पहले जैसा कैमरा नहीं है और उस कैमरा को तो तुमने तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर ही दिया है। इस चंद्र ने मुस्कुराते हुए नए कैमरे के डिब्बे को खोलते हुए कहा, तुम मूर्ख ही रहोगे, घर का काम किया करो मेरे साथ, देखो अभी रसोई में कितने बर्तन है धोने के लिए, जरा इस कैमरा को देख लूं फिर बर्तन साफ कर दूंगा। ये पोलराइज कैमरा है, फोटो तुरंत ही तैयार होकर कैमरा से बाहर आ जाती है। अच्छा चलो जल्दी रसोई का काम करो, मैं तो तुमसे तंग आ गई हूं। इस कैमरे बेचारा रसोई में चला गया। वो फिर से अपनी पत्नी के भाइयों से पिटना नहीं चाहता था। पिछले हफ्ते ही उसकी पत्नी के बड़े भाई ने इस चैनल को सिर्फ इसलिए पिटा था क्योंकि इस चैनल पिछले शनिवार को अपनी पत्नी को बाहर डिनर खिलाने नहीं ले गया था। कुछ देर के बाद इस चैनल अपना नया कैमरा लेकर घर से बाहर आ गया और सामने के एक पार्क में चला गया। उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वो किसी सुंदर दृश्य को खोजने लगा। अचानक उसको एक पेड़ पर एक बहुत सुंदर चिड़िया दिखी। उसने कैमरा उस चिड़िया की तरफ करके उस चिड़िया की फोटो खींच ली। पर ये क्या, वो चिड़िया तुरंत ही पेड़ से नीचे गिर गई क्योंकि एक लड़के ने अपनी एयर गन से उस चिड़िया को गोली मार दी थी। उधर पोलराइज कैमरा में से उस चिड़िया की तस्वीर बाहर निकल आई। कुछ ही देर में वो तस्वीर इस कैमरे ने देखी। उसको देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। उस फोटो में चिड़िया पेड़ पर नहीं बैठी, उस फोटो में पेड़ के नीचे गिरी हुई मरी चिड़िया की फोटो थी। वह हैरान था क्योंकि उसने तो पेड़ पर बैठी चिड़िया की फोटो खींची थी। वह आगे बढ़ने लगा। एक जगह पर उसको सड़क के फुटपाथ पर एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी। इस चैनल से चुपके से उस लड़की की फोटो ले ली। तभी अचानक उस लड़की ने फुटपाथ से उतरकर सड़क पार करनी चाहिए, एक कार आई और उसको कुचल गई। वो वहीं मर गई। स्टैनले के कैमरा से जो फोटो निकली वो फुटपाथ पर चलती हुई लड़की की फोटो नहीं थी, वो दुर्घटना के समय की फोटो थी और उस फोटो में कार से टकराती हुई लड़की साफ दिख रही थी। स्टैनले के माथे पर पसीना आ गया और वो बहुत घबरा गया। वो जल्दी से वापिस घर आकर अपने कमरे में बंद हो गया। वो उस रहस्यमय कैमरा के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी पत्नी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चलो जल्दी करो घर की सफाई करो, उसके बाद बाजार से सामान ले आओ और हाँ जरा मेरे पांव भी दबा दो आज एक घंटे तक कम से कम। इस चैनल को आगे ही बहुत गुस्सा था। उसने अपने कैमरा की तरफ देखा और उसको लेकर वो बाहर आ गया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, डार्लिंग मैं सब काम कर दूंगा, लो आज तो मुझे तुम्हारी एक फोटो खींचने दो, सिर्फ एक आखिरी फोटो। कुछ देर के बाद वो अपनी पत्नी की फोटो खींचकर कैमरा को लेकर तुरंत ही अपने कमरे से अपना सामान लेकर घर से बाहर चला गया। वो अभी नहीं देखना चाहता था कि पत्नी कैसे मरी थी क्योंकि कुछ देर में फोटो तैयार होकर उसके कैमरा से बाहर आने ही वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया।